नमस्कार। आज के इस दमदार सेशन के बाद आइए अब देखते हैं किस तरह से बने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर, और वो कौन से दो स्टॉक्स है जिसमें हमको एक अच्छा मोमेंटम डेवलप होता हुआ आगे कुछ सेशंस में देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज हमने करीब 12,750 के आसपास का क्लोज देखा है, जो कि करीब 120 पॉइंट की एक तेजी हमने निफ्टी में देखी। और जिस तरह का मोमेंटम हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अंडरटोन अभी भी इंडेक्स का बुलिश बना हुआ है। लेकिन आज जो मोमेंटम है इंडेक्स का, उसमें कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। थोड़ा कम होता हुआ वो मोमेंटम नजर आया कहीं ना कहीं, क्योंकि ड्यूरिंग डे हमने एक हल्का सा डिप भी आता हुआ देखा था इंडेक्स में, और कुछ देर के लिए इंडेक्स हमने 50-60 पॉइंट निगेटिव टेरिटरी में भी कामकाज करता हुआ निफ्टी को देखा है। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का अटेम्प्ट ड्यूरिंग डे हुआ, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन अभी भी एक बुलिश बना हुआ है। तो ट्रेडर्स अगर थोड़ा सा कॉशियस रहे और ड्यूरिंग डे जो डिप्स आते हैं उसमें अगर खरीदारी का मन बनाए, तो वो उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होगा। बाकी अंडरटोन तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि वो पॉजिटिव बना हुआ है। जो सपोर्ट है निफ्टी का भी, वो करीब 12,500 का एक सपोर्ट है, और उसके पहले 12,650 के आसपास एक सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट ऑन द लोअर साइड है। ब्रॉडली स्पीकिंग, जब तक 12,500 के ऊपर निफ्टी मेंटेन कर रहा है, तब तक उसका अंडरटोन बुलिश रहेगा। ऑन द हायर साइड निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो करीब 12,850 से 12,900 इस जोन में एक रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांगली एक सप्लाई आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं दायरा लग रहा है निफ्टी का, 12,650 एक इमीडिएट सपोर्ट, और उसके बाद फिर 12,500, और ऑन द हायर साइड 12,850 और 12,900 ये रेंज है निफ्टी का अगले कुछ दिन के लिए। लगता है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें लगता है इस दायरे में कहीं ना कहीं निफ्टी रहेगा, लेकिन अंडरटोन ऑब्वियसली पॉजिटिव बना रहेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो बैंक निफ्टी में आज हमने करीब 100 माफ कीजिए 220 पॉइंट के आसपास की एक तेजी हमने बैंक निफ्टी में देखी है, और करीब 28,850 का हमने क्लोज देखा है बैंक निफ्टी का। तो उसमें भी एक क्लियरली अंडरटोन पॉजिटिव बना हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा कम होता हुआ, जस्ट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में भी हमने थोड़ा सा मोमेंटम कम होता हुआ देखा है। तो नेट नेट अंडरटोन आज भी बुलिश था, लेकिन आज थोड़ी सी हमने मोमेंटम में कमी आती हुई देखी है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कॉशन एक इंडिकेट करता है ट्रेडर्स के लिए, कि अगर जो एकदम शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर डिप का वेट करेंगे पेशेंटली तो उनके लिए फेवरेबल होगा। तो ड्यूरिंग डे अगर कोई डिप आता है प्रॉफिट बुकिंग का, तो उस डिप में अगर खरीदारी का सोचेंगे, लॉन्ग क्रिएट करने का सोचेंगे, तो वो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए फेवरेबल हो सकता है। तो पेशेंट थोड़ा सा होना पड़ेगा ट्रेडर्स को। और ऑन द हायर साइड बैंक निफ्टी के जो रेजिस्टेंस बनेंगे वो करीब 29,100 और 29,350 ये दो हर्डल है, और जैसा ऑन द लोअर साइड 28,500 और 28,200 ये सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ब्रॉडली ये एक दायरा लग रहा है बैंक निफ्टी का, लेकिन दोनों इंडेक्स का अंडरटोन अभी भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। और टिपिकली इस तरह के मोमेंटम में जो भी इन बिटवीन जो छोटे मोटे डिप्स आते हैं प्रॉफिट बुकिंग के, तो वो थोड़े से शैलो होते हैं और उसमें वो सस्टेन नहीं होते ज़्यादा। तो ट्रेडर्स को कोई भी शॉर्ट इनिशिएट करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तक कोई डिसाइसिवली वीकनेस कंफर्म नहीं हो जाता दोनों इंडेक्स का। अंडरटोन जब तक टर्न नहीं हो जाता, नेगेटिव नहीं हो जाता, तब तक कोई एग्रेसिवली शॉर्ट क्रिएट करना भी बहुत डेंजरस हो सकता है स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा सा ट्रेडर्स को वॉच करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टॉक पिक्स का सवाल है, तो दो स्टॉक है जो हमको अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक है मेटल स्पेस से हिंडाल्को। इनफैक्ट आज पूरे ही मेटल स्पेस में आज हमने बहुत दमदार एक तेजी देखी है। हिंडाल्को में आज हमने करीब 204 के आसपास का क्लोज देखा है। तो इस स्टॉक में कोई भी एक हल्की सी गिरावट आती है, तो उसमें एक खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। ब्रॉडली इसमें जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब 192 के आसपास का बनेगा। ऑन द हायर साइड हिंडाल्को में हमको करीब 225 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो मोमेंटम प्ले के तौर पर बहुत स्ट्रांग लग रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल में आज हमने करीब 394 के आसपास का क्लोज देखा है, और काफ़ी दिनों बाद ये स्टॉक अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने में कामयाब हुआ है। तो इसमें भी लगता है एक अच्छा ट्रैक्शन ऊपर की तरफ डेवलप हो सकता है।
तो बीपीसीएल में भी कोई छोटी मोटी अगर गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी का मन बनाना चाहिए। ऑन द लोअर साइड करीब 380 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस बनेगा। ऑन द हायर साइड बीपीसीएल में जो एक टारगेट नजर आता है वो करीब 425 से 430 तक के जोन हमको देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम प्ले के तौर पे हमको अच्छे लग रहे हैं, एक है हिंडाल्को और दूसरा है बीपीसीएल।